मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेनरी कई सालों के बाद यूएस मिलिट्री में सर्व करके हांगकांग वापस आया है और वो अब अपना करियर एक टीचर के रूप में स्टार्ट करना चाहता है। वो अपने पहले स्कूल टेकची सेकेंडरी में जाता है। प्रिंसिपल देखता है कि उसको टीचिंग का तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हायर ऑफिशियल के रिकमेंडेशन लेटर देखने के बाद उसको जॉब मिल जाती है। उसके जाने से प्रिंसिपल हेनरी को बताता है कि जो क्लास उसको पढ़ाने को दी जा रही है वो इस स्कूल के सबसे रॉस्ट क्लास में से एक है। अब सुबह उसकी क्लास में पहला दिन होता है। हेनरी क्लास में जाता है और देखता है कि क्लास में बहुत ही डिसऑर्डर है। कुछ स्टूडेंट्स सो रहे हैं, कुछ गाना गा रहे हैं तो कुछ मस्ती मार रहे हैं, कुछ तो वीडियो गेम्स में लगे हैं और काफी स्टूडेंट स्टोव पर रेमन कुक कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि टीचर के क्लास में आने के बावजूद वो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे होते हैं और सभी स्टूडेंट्स अपने काम में मग्न रहते हैं। हेनरी उनकी अटेंशन पाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो उसको सुन ही नहीं रहे हैं। वो उनकी अटेंशन डाइवर्ट करना छोड़ देता है और क्लास में घूमने लगता है और उनके कामों पर कमेंटिंग करने लगता है। जो स्टूडेंट्स रेमन कुक कर रहे होते हैं उनको वो रेमन कम खाने को कहता है क्योंकि उसमें सोडियम ज्यादा होता है। उसके बाद हेनरी जुफा नाम के स्टूडेंट के पास जाता है जो कि एक गेम खेल रहा होता है। वो उसको कहता है कि वो उसकी इसमें हेल्प करेगा और इस तरह गेमर किड को रेडिएशन के बारे में बताता है जो उसको स्क्रीन देखने से आ रही थी। जब स्टूडेंट्स फाइनली उसको सुनना स्टार्ट कर देते हैं तब वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम और अपना फोन नंबर ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और सभी स्टूडेंट्स उसकी हैंडराइटिंग को देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही गंदी होती है। उसके बाद क्लास में से कोई स्टूडेंट उसको कॉल करता है और उसको क्लास छोड़ने को कहता है, लेकिन हेनरी हंसने लग जाता है। सभी स्टूडेंट उसे फिर इग्नोर करने लग जाते हैं और उसके जाने से पहले ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं जो वो कर ही रहे थे। इतना कुछ होने के बाद हेनरी एक रबर बैंड और चौक से फायर स्प्रिंकलर पर मारता है और फाइनली उसको क्लास की पूरी अटेंशन मिल जाती है और वो सभी स्टूडेंट्स का उसकी क्लास में वेलकम करता है। क्लास के बाद सबसे लोवेस्ट रैंकिंग 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप स्पोर्ट्स सप्लाई रूम में स्मोक करने के लिए जाता है। उस ग्रुप का लीडर जैक है जिसका दूसरी क्लास की ए ग्रेड स्टूडेंट पर क्रश होता है। बाकी स्टूडेंट उसको उसकी फोटो दिखाते हुए पकड़ते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। उस ग्रुप के स्टूडेंट्स स्कूल बास्केटबॉल टीम के रिच स्टूडेंट से विरोध करते हैं। वो सप्लाई रूम में आते हैं और जैक का मजाक उड़ाते हैं जैसे उड़ाया करते थे क्योंकि वो बहुत ही गरीब होता है। बाद में जैक और उसके साथी उन्हें बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। जैक ग्राउंड में बोतल फेंक देता है जिसकी वजह से टीम का लीडर गिर जाता है और वो ग्रुप हंसने लग जाता है, लेकिन उनकी इंग्लिश टीचर उनको पनिशमेंट दे देती है। इस पनिशमेंट से बचने के लिए वो एक प्रैंक प्लान करते हैं और जब वो अपना डेस्क साफ कर रही होती है तो वो वहां से भाग जाते हैं और स्कूल प्रिंसिपल इससे बहुत ही स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि एजुकेशन बोर्ड उनकी स्कूल की 20% एनुअल फंडिंग काटने वाला होता है। स्कूल बोर्ड से कुछ लोग स्कूल का टूर करने आए होते हैं और वे ये जानने आते हैं कि स्कूल का फंड कहाँ यूज किया जा रहा है। अब हेनरी क्लास में आता है और स्टूडेंट्स ने उस पर प्रैंक करने के लिए पूरी प्लानिंग की होती है और एक पानी की बकेट रखी होती है, लेकिन हेनरी बड़ी समझदारी से अंदर जाता है और उसे ढका देता है। जो स्टूडेंट्स उसको मजाक उड़ाने के लिए इंतजार कर रहे थे वो एकदम शॉक रह गए होते हैं। हेनरी जैक से उसका सिगरेट का पैकेट मांगता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो स्मोक करता है। जैक उसको पैकेट दे देता है और सोचने लगता है कि वो इसका क्या करने वाला है। फिर हेनरी जुफा से सिगरेट के 3 इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछता है जो सिगरेट में पाए जाते हैं। जब उसने सही जवाब दे दिया तो उसको एक दिन के लिए क्लास स्किप करने को कह दिया जाता है और ये देखकर सभी स्टूडेंट्स डेस्क को बजाने लगते हैं और क्लास स्किप करने की डिमांड करते हैं। जब वो लोग रुक जाते हैं तो हेनरी उनके हाथों में सिगरेट देता है और कहता है कि इसे एनालाइज करो। हेनरी जानता है कि अगर वो उनको डायरेक्टली बता देगा कि सिगरेट के इफेक्ट्स हेल्थ पर क्या होते हैं तो वो इसको सीरियस नहीं लेंगे, इसलिए उसने स्टूडेंट से पूछा कि सिगरेट पीने से क्या होता है और उन्हें एक्सप्लेन करता है कि तार कैसे उनके लंग्स में फॉर्म हो जाते हैं। पहली बार स्टूडेंट्स ने टीचर को अटेंशन दी होती है और पढ़ने में अपना इंटरेस्ट दिखाया होता है। अब बेल रिंग होने के बाद वो सभी स्टूडेंट्स को सिगरेट वापस करने को कहता है और स्टूडेंट्स उसे ना चाहते हुए भी वो वापस कर देते हैं। उसी दिन कैफेटेरिया में बास्केटबॉल का कैप्टन जैक के एक फ्रेंड ब्रूस को उसके पैरों पर गिरा देता है जिसकी वजह से ग्रुप में बहस होना स्टार्ट हो जाती है और बाद में ये फाइट में बदल जाती है। वो एक दूसरे पर कूद रहे होते हैं और एक दूसरे पर टेबल फेंकते हैं और उस जगह को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। बाद में हेनरी को बताया जाता है कि लड़ाई शुरू करने की वजह से उसकी क्लास के 5 स्टूडेंट्स को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया है। हेनरी देखता है कि जैक अपने अपोनेंट के साथ हॉल के रास्ते में लड़ रहा है। हेनरी उसको हटाता है और शांत होने को कहता है। अब जैक स्कूल को ब्लेम करता है कि वो रिच किड्स को पनिशमेंट नहीं देता। उस दिन स्कूल खत्म होने के बाद हेनरी इन 5 स्टूडेंट्स की फाइल चेक करता है ताकि वो उनके बारे में ज्यादा जान सके। पहला बच्चा जुफा है जो पाकिस्तान इमिग्रेंट का बेटा है जिसकी वजह से उसके साथ भेदभाव किया जाता है। उस पर कई बार उसके पड़ोस से पुलिस ने चोरी करने का इल्जाम भी लगाया है और उसका सिर्फ एक ही सपना है कि वो म्यूजिशियन बना रहे। सेकंड स्टूडेंट डेनन है जो अपनी बर्थ से अपने पापा से नाराज ही रही है क्योंकि उसके पापा को एक लड़का चाहिए था। उसने पूरी जिंदगी अपने
पापा से रिस्पेक्ट लेने में ही निकाल दी। उसने अपने बाल भी छोटे करवा लिए थे और कार से खेलना भी शुरू कर दिया था और लड़के की तरह जीना भी शुरू कर दिया था। फिर भी उसके पापा उसकी केयर नहीं करते थे और उसके छोटे भाई को प्रिंस की तरह ट्रीट करते थे। और उसके बाद दो भाई होते हैं, ब्रूस और क्रिस, जिनकी माँ उनको बचपन में ही किसी और के साथ भाग गई थी। इसकी वजह से उसके पापा ने शराब पीनी शुरू कर दी और उन दोनों भाइयों को एक दूसरे का सहारा था। ब्रूस ने रियलिटी से बचने के लिए खुद को वीडियो गेम्स का आदि बना लिया होता है और क्रिस ने ग्रोसरी स्टोर पर जाके पैसे कमाना शुरू कर दिया होता है। अब आखिर में हेनरी को जैक की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इस सीन में हम देखते हैं कि जैक एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है और वहाँ पर एक एमएमए बैटर जियानिंग रेस्टोरेंट में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आता है। जब जियानिंग नहीं देख रहा होता है तब जैक उसका फैंसी लाइटर चुरा लेता है, लेकिन बेचारा पकड़ा जाता है। जियानिंग की आदमी उसको खूब मारते हैं और उसकी आईडी चेक करते हैं। अब वो ये जान लेते हैं कि ये तो एक स्टूडेंट है और वो उसको कुछ पैसे दे देते हैं और उसको फूड डिलीवरी मैन की जॉब भी ऑफर करते हैं। हेनरी जुफा के घर जाता है और देखता है कि जुफा वहाँ से अपने पापा और साथियों से टिकट चुराकर भाग रहा होता है। पहले वो उसको भागने में हेल्प करता है, लेकिन ये पता लगने के बाद कि वो क्यों भाग रहा है, वो उसके पापा की साइड ले लेता है। उसके बाद वो और जुफा ब्रिज में जाते हैं। जुफा को मोटिवेट करने के लिए जो भी वो करना चाहता है, वहाँ हेनरी स्ट्रीट के बैंड के साथ परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद जुफा भी उसको ज्वाइन कर लेता है और पहली बार स्कूल में बुलीड होने के बाद लोगों के सामने गाता है। ब्रूस और क्रिस के पापा घर लेट आते हैं और उनको स्टोर से बियर लाने को बोलते हैं। जब वो मना कर देते हैं तो उन पर वो चिल्लाता है और उनको घर से बाहर जाने को बोलता है। और अगले दिन हेनरी उनके पापा से मिलता है और उन्हें उनके बच्चों के लिए रिहैब जाने को कहता है। डेनर के पापा उसके लिए मेकअप बैग लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि लड़कियों की तरह रिएक्ट करो, लेकिन डेनर उस पर हमेशा की तरह बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि इसको हमेशा ऐसा फील करवाया जाता है कि वो अच्छी नहीं है। वो सारा मेकअप अपने छोटे भाई को लगा लेती है और वहाँ से कार की कीज लेकर भाग जाती है। वो ड्राइव करने ही वाली होती है कि हेनरी उसको रोक लेता है और कहता है कि लाइसेंस के बिना ड्राइव करना बिल्कुल इलीगल है और वो उसका कोई अल्टरनेटिव देता है। इसके चलते ही वो गो कार्ट रेस में हिस्सा ले लेती है और हेनरी उसके पापा को भी इनवाइट करता है और उसको रेस में जाने को कहता है। वो दोनों रेस के दौरान एक दूसरे को कोई दया नहीं दिखाते और एंड में दोनों ट्रैक के बाहर आ जाते हैं। वैसे ही डेनन की गो कार्ट को एक व्हीकल हिट कर देती है, लेकिन वो अंदर से बच जाती है। इस बात से अनजान कि उसकी बेटी बच गई है, उसके पापा उसके मरने का शौक मनाते हैं। डेनन के पापा रियलाइज करते हैं कि वो उसको प्यार करते हैं और उसको गले भी लगा लेते हैं। अगले दिन स्कूल में ब्रूस और क्रिस एक ग्रुप के साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक रिकवरी एल्कोहलिक का इंटरव्यू लेने जाते हैं। वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जिसका वो इंटरव्यू लेने आया है वो उसके पापा है। स्टूडेंट्स उसे पूछते हैं कि उसने ड्रिंक करना कैसे स्टार्ट किया। वो आदमी कहता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन वो उसको उसकी जिंदगी के सबसे कमजोर वक्त में छोड़ के चली गई और उसने ड्रिंक करना फिर शुरू कर दिया। और वो ये भी भूल गया कि उसके दो बच्चे भी हैं जिनकी केयर करनी थी। वो आदमी ये नहीं बताता कि वो दोनों बच्चे ब्रूस और क्रिसी हैं, पर वो उनसे माफी मांगता है। आखिर में दोनों भाई रो रहे होते हैं। कहीं और जैक ने बैटर जेनिंग के लिए काम करना शुरू कर दिया होता है। वो जैक को काफी ज्यादा पैसे भी ऑफर करता है कि अगली गेम में फाइटर्स को ड्रिंक में ड्रग्स मिला के देना। जैक ये नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है। फाइटिंग के दिन जैनिक अपने फाइटर को स्पॉन्सर करता है और उसके हारने पे पैसे लगाता है। जैक उसको ड्रिंक्स में ड्रग डालता है, लेकिन पकड़ा जाता है। अब इससे पहले कि वो जैनिक पर इल्जाम लगाए, उससे मारना शुरू कर देते हैं और लॉकर में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर में हेनरी वहाँ पर आता है, तभी एक आदमी उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जैक लॉकर से हेल्प करके चिल्लाता है। अब ये जानने के बाद कि वो ट्रैप्ड हो चुका है, हेनरी उन पर अटैक करता है और उन पर भारी पड़ जाता है। जब फाइटर्स आगे बढ़ते हैं तो वो और तेज हो जाते हैं, लेकिन वो उनके अटैक से बच जाता है। आखिर में हेनरी उनके बेस्ट फाइटर को हरा देता है जो थोड़ी देर बाद लड़ने वाला था। अब इस सीन में वो लोग हॉस्पिटल में हैं। यहाँ हेनरी अपने जख्मों पर दवाई लगा रहा है। जैक जेनिंग की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसको चुप करवा दिया जाता है। अब टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि हेनरी ने अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए एक प्रोफेशनल फाइटर को मार दिया। इसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी पूरे स्कूल में बढ़ गई होती है और सभी स्टूडेंट उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं और अब से सभी स्टूडेंट उसका क्लास में बिल्कुल अच्छे से स्वागत करते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हेनरी एक प्रैंकस्टर होता है। जब वो स्कूल में पढ़ता था, उसने एक स्टूडेंट पर वाटर बलून भी फेंके थे जो किसी इवेंट में पेरेंट्स के लिए पियानो प्ले कर रहा होता है। बाद में हेनरी की उससे लड़ाई हो जाती है और उसका हाथ भी टूट जाता है और उसको फाइट के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। उसी दिन स्टूडेंट्स हेनरी को अटेंशन देना शुरू कर देते हैं जब वो पढ़ा रहा होता है और अपने आने वाले कॉलेज एंट्रेंस के लिए काफी मेहनत करते हैं। ब्रूस के सिवा सब स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे होते हैं। ब्रूस को गोलियों की एडिक्शन हो गई होती है। ये पता चलता है कि जब क्रिस घर की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने के लिए वीडियो गेम्स का सहारा लेता है, तो वहीं ब्रूस ड्रग्स लेना शुरू कर देता है क्योंकि वो स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसका मॉक एंट्रेंस टेस्ट भी बहुत बुरा हुआ।
हेनरी उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन ब्रूस वक्त के साथ और भी डिप्रेस होता चला जाता है और वो घर की बालकनी से जंप कर देता है और वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वो कोमा में चला जाता है। मीडिया इस बात को उछालती है और ब्रूस के मरने का ब्लेम स्कूल और हेनरी पर डाल देती है। कुछ ऑफिशियल्स एजुकेशन बोर्ड से हेनरी का इंटरव्यू लेते हैं और उसका टीचिंग का लाइसेंस वापस ले लेते हैं। जब वो अपने बैग पैक कर रहा होता है और स्कूल छोड़ के जाने वाला होता है तो सभी स्टूडेंट उसके पीछे आ जाते हैं और उसको रोकने लगते हैं। हेनरी के जाने से उन सभी का दिल टूट जाता है और वो जानते हैं कि अगर वो अपने अपकमिंग टेस्ट में अच्छा करेंगे तो उसको प्राउड फील होगा। अब उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए वो लोग उसी दिन से बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं ताकि वो एजुकेशन बोर्ड को बता सके कि हेनरी एक बहुत ही अच्छा टीचर है। अब टेस्ट के दिन जैक और बाकी सभी स्टूडेंट्स को हेनरी की तरफ से एक मैसेज आता है कि वो उनसे एग्जाम के एक घंटे पहले स्कूल में सभी से मिलना चाहता है। जब सभी स्टूडेंट्स स्कूल में इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सब जानी का प्लान था कि वो सब स्कूल में फंस जाएं और एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से न पहुंच पाए। उसने ये हेनरी को सबक सिखाने के लिए किया था। थोड़ी देर बाद हेनरी स्कूल पहुंचता है और उसको जानी के प्लान के बारे में सब पता चलता है। वो सभी स्टूडेंट्स को वहां से फ्री करता है और जानी के सभी लोगों से लड़ता है ताकि वो स्टूडेंट को कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। वो वहां से छिपकर भाग जाते हैं और जल्दी एग्जामिनेशन हॉल की तरफ चले जाते हैं, जबकि हेनरी जानिंग से लड़ाई कर रहा होता है। जब वो लड़ाई कर ही रहे होते हैं तो जानिंग उसे बताता है कि वो वही लड़का है जिस पर उसने वाटर बलून्स फेंके थे जब वो छोटा था और हेनरी की वजह से ही उसका हाथ टूटा था, जिसकी वजह से वो किसी भी बड़े म्यूजिक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। अब उस इंसिडेंट के बाद से उसने कभी भी पियानो को टच नहीं किया होता है और वो हेनरी को उसके सपने बर्बाद करने के लिए ब्लेम करता है। हेनरी उसको रीजन बताने की कोशिश करता है लेकिन उस पर दोबारा अटैक कर देता है। अब वो दोनों नाइफ लेकर लड़ रहे होते हैं। आखिर में हेनरी को मौका मिलता है कि वो जैनिक को मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। हेनरी ने जो भी बचपन में किया था उसके लिए उससे माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हैं और अपना टेस्ट कंप्लीट कर देते हैं और कुछ हफ्तों बाद वो सब अच्छे नंबर से पास भी हो जाते हैं। जानिंग भी दोबारा पियानो चलाना शुरू कर देता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है क्योंकि वो पहले जैसे तो बजा नहीं पाएगा ना। अब ब्रूस भी जल्दी रिकवर होता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो नेक्स्ट ईयर के एंट्रेंस टेस्ट देगा। स्कूल के प्रिंसिपल भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि बोर्ड ने उनको 20% बोनस फंड देने का डिसाइड किया होता है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस टेस्ट में काफी अच्छा किया होता है। हेनरी वापस आता है और अपने दूसरे बैच पर फिर फायर स्प्रिंकल की ट्रिक करता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।